श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 8 दिसंबर छठवें दिन की शिव प्रशासी महापुराण कथा बड़ोतरा गुजरात से चल रही है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 22 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। गुरुजी ने बताया है कि वे कौन सी 7 चीजें हैं जो पार्वती जी ने शिव जी को अर्पित की थी जिससे शिव जी पार्वती जी के हो गए थे। बेलपत्र को तोड़ने का सही तरीका आज गुरुजी ने बताया है कि किस तरीके से यदि हम बेलपत्र तोड़ते हैं तो शिव जी उसे अवश्य ही स्वीकार करते हैं। साथ ही गुरुजी ने सीहोर में मिलने वाले रुद्राक्ष के बारे में बताया है कि कब और कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है और साथ ही अगली कथा की जानकारी भी दी है। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। पूरी दुनिया में केवल 2 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपके धन की, संपदा की, सत्ता की, संपत्ति की जरूरत नहीं होती। उनको केवल चाहिए तो तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए। वो 2 लोग हैं गुरुदेव और महादेव। इनके द्वार में जाओगे तो कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होता ही है। कथा की अगली दूसरी जानकारी। प्रत्येक 7 वर्ष में शरीर की गतिविधि बदलती है। यह हमारे शास्त्र कहते हैं, भविष्य पुराण कहती है। इसलिए इस संसार में सबसे मिलो, सबके प्रति समर्पण का भाव रखो, भगवान के पूजन अर्चन करते रहो, भजन करते रहो और जब भी गुरुदेव के सामने जाओ तो कभी भी अभिमान मत करना कि मेरे पास ये है, वो है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। छोटा बनकर रहो, वही श्रेष्ठ है। तथा की अगली तीसरी जानकारी। तेज गाड़ी चलाने वालों से गुरुजी ने कहा है, आपको तेज गाड़ी चलाने से पहले इस बात का ध्यान रखना है, घर में माँ है, पिता है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको ख्याल रखकर गाड़ी चलाएं। गाड़ी में और गाली में थोड़ा सा ब्रेक लगाकर चलाओ तो जीवन व्यर्थ होने से बच सकता है। कथा की अगली चौथी जानकारी। गुरुजी ने नई दुल्हन आने पर सभी सासों से कहा है कि आप उसे 2 वर्षों तक कुछ ना कहें। नई बहू को भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है क्योंकि उसे भी शुरू के वर्षों में कुछ बोल दो तो वो उसे पूरे जीवन पर्यंत याद रहता है क्योंकि ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, बस वो समय बुरा होता है। वह समय निकाल दो फिर पूरे जीवन आनंद से बीतेगा। कथा की अगली पांचवी जानकारी। गुरुजी ने कहा, गुस्सा कितनी देर का होता है? सिर्फ 10 मिनट का, 20 मिनट का, पर उस गुस्से में यदि हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उसके जीवन के अगले 10 वर्ष जेल में चले जाते हैं, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो आजू बाजू वाले भी उकसाते हैं और जब सजा मिलती है तो वो सिर्फ तुम्हें ही भोगना पड़ती है और उसका असर तुम्हारे परिवार पे कितना होता है, कितना भारी असर हो सकता है, उसका परिणाम भी हमें स्वयं भुगतना पड़ता है। कथा की अगली छठवीं जानकारी। तुम्हारे धन के हिस्सेदार तुम्हारे घर के सभी होंगे, परिवार के होंगे, पर तुम्हारे कर्मों का जो फल है उसको भोगने का हकदार और कोई नहीं होगा, वो तुम्हें सिर्फ तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। कथा की अगली सातवीं जानकारी। सबसे पहली भस्म भक्त ने भगवान को लगाई थी या भगवान ने भक्त को लगाई थी? सबसे पहले महादेव की भस्म का दर्शन किसने किया था? आज की कथा में गुरुजी ने बताया, और वो भस्म प्रसाद के रूप में प्राप्त होने लगी। शिवलिंग पर चढ़ी भस्म बहुत उपयोगी होती है। कई बार हाथ फड़कने लगता है या लगवा जैसी परेशानी आ गई है, शिव जी पर चढ़ी हुई भस्म का उपयोग कर सकते हैं। कथा की अगली आठवीं जानकारी। गुरुजी ने यह बहुत अच्छी जानकारी दी है कि 2 जगह पर मिलने वाले श्रीफल से आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप किसी के घर गए हैं, उसने आपका सम्मान करते हुए शॉल उड़ाया और एक नारियल मतलब श्रीफल आपके हाथ पर दे दिया, तो उस श्रीफल को आप किसी को भी दे सकते हो, आप उसे तुरंत छोड़ सकते हो। पर किसी मंदिर में गए हो और उस मंदिर के पुजारी ने आपको वो श्रीफल दिया है तो क्या करें? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है इसे हम प्रसाद के रूप में फोड़कर खा लें, या कुछ लोगों को लगता है कि इसे लाल कपड़े या पीले कपड़े में लपेट कर रख लें, मतलब ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? तो अगर उसे देते समय आपको किसी ने कहा है कि आप इसे जीवन भर रखो तो आप रखो, पर इसे सिर्फ दर्शन करने गए हो और किसी ने आपको आदित्य के भाव से दे दिया या भगवान को स्पर्श कराकर दे दिया, तो आप उस श्रीफल को 5 रात्रि, 3 रात्रि, 7 रात्रि, 11 रात्रि भी अपने घर में रख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो उसे प्रसाद रूप में तुरंत भी प्राप्त कर सकते हैं, खा सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, उस श्रीफल को आपको किसी दूसरे को नहीं देना है, वह स्वयं ही खाना है और आपके परिवार को ही खाना है। कथा की अगली नौवीं जानकारी। कई लोग कहते हैं हम शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं पर भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते, तो इस पर गुरुजी ने कहा, इसका भी एक कारण होता है, आपके गलत बेलपत्र तोड़ने का भी कारण हो सकता है। अगर आपने बेलपत्र के वृक्ष से पहले बेलपत्र की डाली तोड़ ली और उसके बाद उस डाली से बेलपत्र तोड़कर अर्पित कर रहे हो तो वो बेलपत्र बिल्कुल भी फल प्रदान करने वाली नहीं होती है। ऐसे बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि आपको बेलपत्र के पेड़ से ही बेलपत्र को तोड़ना चाहिए, डाली को नहीं। सिर्फ एक बेलपत्र भी सही तरीके से चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। और सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए और कुछ प्रमुख तिथियां भी हैं, इस दिन बेलपत्र ना तोड़ें। गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में ये बात बताई थी, जैसे चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, प्रदोष के दिन, चतुर्दशी के दिन, शिवरात्रि के दिन, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में भी भोलेनाथ
उसे स्वीकार नहीं करते। कथा की अगली दसवीं जानकारी, जिस दिन बेलपत्र ना मिले तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को ही धोकर चढ़ा दो, और अगर शिवलिंग पर भी बेलपत्र नहीं चढ़ी है तो आप जहाँ से भी निकल कर जा रहे हो तो कोई भी पत्ती को धोकर भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दो, वह भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं ग्यारहवीं जानकारी की ओर। घनश्याम जी दिल्ली से पत्र लेकर आए। मुझे 15 साल से पथरी है, गुर्दे में 16 mm की पथरी फंस गई थी। डॉक्टर ने कहा ये पथरी से आपको जीवन का भी खतरा हो सकता है। इसके बाद मैंने शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू किया और चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर लेकर आता और खाना शुरू किया। और जब दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो मेरे गुर्दे की पथरी गायब हो चुकी थी। आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आया हूँ। कथा की अगली बारहवीं जानकारी, एक बात कहना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा कोई बेलपत्र लेकर मंदिर जाता है, कोई चना चिरौंजी लेकर मंदिर जाता है, कोई अगरबत्ती दिया लेकर मंदिर जाता है, कोई नारियल लेकर मंदिर जाता है, तो मेरे महादेव इन सब चीजों का इंतजार नहीं करते, वो तो सिर्फ आपका दिल लेकर मंदिर आने वाले का इंतजार करते हैं। महादेव आपका निर्मल मन देखता है, सच्ची हृदय सच्ची भावना देखता है। ताकि अगली तेरहवीं जानकारी, गुरुजी ने सभी पत्नियों के लिए कहा है कि आप अपने पति को व्यापार में जाने से पहले एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने को कहो, क्योंकि वो व्यापार करने में झूठ बोलेगा तो उसके द्वारा किए गए गलत कर्मों के फल से बचाने के लिए भगवान का नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, शिव पर जल चढ़ाना शुरू कर देना है। कथा की अगली चौदहवीं जानकारी, गुरुजी ने कहा इतना कमा रहे हो पर खुद पर खर्च नहीं करते, खुद पे खर्च करना चालू करो, क्योंकि बाप आज भी कीपैड चला रहा है और बेटा एप्पल चला रहा है। आप हर बार वही पुरानी जैकेट स्वेटर निकाल कर पहन रहे हो और बच्चे हर वर्ष नई स्वेटर जैकेट ले रहे हैं, अर्थात आपको भी आपका जीवन पूरे आनंद से व्यतीत करना है, खुद के ऊपर भी खर्च करना शुरू करना है। कथा की अगली पंद्रहवीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कई लोग कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीजों को नहीं खाना चाहिए, तो इस पर गुरुजी ने कहा हम भी कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीजों का नहीं खाना चाहिए, पर आप शिवलिंग पर चढ़ी चीज को औषधि रूप में प्राप्त करके खाते हैं तो वो खा सकते हैं, जिससे आपको रोग मुक्ति हो सके, और अगर बेलपत्र भी किसी प्रसाद में डल गई है तो उसे भी आप खा सकते हैं। कथा की अगली सोलहवीं जानकारी, गुरुजी से कल एक माताजी ने प्रश्न किया कि अगर हम शिवलिंग पर एक एप्पल चढ़ा रहे हैं तो उसके तीन हिस्से कैसे करें, क्योंकि आपने कथा में तीन हिस्से करने को कहा है। इस पर गुरुजी ने कहा आप उस एप्पल के ऊपर भी एक बेलपत्र अर्पित कर दोगे तो उसके भी हो गए तीन हिस्से, हिस्से करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस एप्पल के ऊपर एक बेलपत्र रख देना है। कथा की अगली सत्रहवीं जानकारी, आशा देवी अग्रवाल पत्र लेकर आई। मैं मंदिर जाती थी और शिव जी पर जल भी चढ़ाती थी, मेरे पति को लगवा लग गया था। मैंने बस इतना बोली कि अगर इनका शरीर पलंग पर पड़ जाएगा तो घर कैसे चलेगा, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन उन्हें कराती थी। जितना तेज उनको लगवा लगा था पलंग से उठ भी नहीं पाते थे, पर वो आज स्वस्थ हैं और चलने भी लगे हैं। आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। कथा की अगली अठारहवीं जानकारी, गुरुजी ने कहा भोलेनाथ को कुछ अर्पित करते समय उसका बखान ना करें कि मैंने इतना अर्पित कर दिया, आप तो थोड़ा सा भी अर्पित करोगे तो उसका कई गुना महादेव आपको प्रदान कर देंगे, बस आपको बखान नहीं करना है और कुछ भी अर्पित करते समय महादेव आपका सिर्फ और सिर्फ निर्मल मन देखते हैं। कथा की अगली उन्नीसवीं जानकारी, कोई वडोदरा से पत्र लेकर आई। एक लोटे जल का क्या बखान करूं मैं, भतीजे के यहाँ लड़का हुआ, मशीन में रखा गया, 50% सांस थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, पर शिव जी की कृपा से आज वह स्वस्थ है, और मेरी बहन के बेटे का सिलेक्शन नहीं होता था, कोई एग्जाम दिया था पर सफल नहीं हो पा रहा था, उसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और बेलपत्र अर्पित करने को कहा, वो रोज जल चढ़ाने शिव मंदिर जाता और बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाता, उसकी आज पुलिस में सरकारी नौकरी लग गई है। आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। कथा की अगली बीसवीं जानकारी, पावागढ़ की जो कथा जनवरी में होने वाली है वो कथा को लेने वाले एक भाई बहन है। उस बहन के भाई को ऐसा कोरोना हो गया था कि वेंटिलेटर में था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था सांसें जा रही हैं, नहीं बचा सकते, पर पत्नी शिव महापुराण की कथा सुनती थी, शिव मंदिर में दौड़ के गई, एक लोटा जल चढ़ाया और बोली मेरे सिंदूर की लाज रख लो भोलेनाथ, उन्हें बचा लो, और उसके बाद वेंटिलेटर में पड़े उस व्यक्ति को स्वयं महादेव ने दर्शन दिए और बोले अब तुझे कुछ नहीं होगा, मत घबरा, और वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। और उसी की बहन को कोरोना हो गया, बहन के गर्भ में संतान थी, उसे भी कोरोना हो गया था, डॉक्टर ने जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा बताया था, पर भोलेनाथ की कृपा से दोनों स्वस्थ हो गए और आज गुरुजी से मिलने बड़ोदरा में दोनों भाई बहन आए थे। कथा की अगली 21वीं जानकारी, पार्वती जी ने कौन कौन सी चीजें शिव जी को अर्पित करके प्रसन्न किया था जिससे शिव जी पार्वती जी के हो गए थे, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहला है जल। गुरुजी ने बताया शिव जी पर जब भी आप एक लोटा जल अर्पित करें तो चढ़ा हुआ जल जरूर घर लाएं, खाली पात्र घर बिल्कुल ना लाएं।
दूसरा है बेलपत्र, शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र आप औषधि रूप में प्राप्त कर सकते हैं, वो रोग मुक्ति प्रदान करती है। तीसरा है चंदन, शिवलिंग पर जब एक लोटा जल उसमें थोड़ा सा चंदन का छींटा देकर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वो चढ़ाया गया जल द्वार पर या कोई फैक्ट्री में लाभ प्रदान करता है। चौथी चीज है जो कि पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाई थी, वो है आंकड़े का पुष्प, ये रोग बीमारी को हर लेता है। पांचवी चीज है जो कि पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाई थी, वो है धतूरा, ये सर्व सुख प्रदान करता है, बड़ी से बड़ी बीमारी को हर लेता है। और छठवीं चीज थी भस्म और सातवीं चीज थी रुद्राक्ष। भस्म यदि आपका हाथ फड़क रहा है, लगवा लग गया है, तुरंत में कुछ हो गया है, तो आप शिव जी पर चढ़ी हुई भस्म उस जगह पर लगा सकते हैं। और सातवां रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष का जल रोग मुक्ति प्रदान करता है। कथा की अगली 22वीं जानकारी, आज गुरु जी ने रुद्राक्ष से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। गुरु जी ने कहा आपको रुद्राक्ष फ्री में देंगे और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपको सीहोर आकर कुबेरेश्वर धाम से ही लेना होगा। और अभी सिर्फ और सिर्फ बीमार लोगों को डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर रुद्राक्ष दे रहे हैं, बाकियों के लिए 16 से 22 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव में बांटे जाएंगे। शिवरात्रि 16 फरवरी की रहेगी। इसके बाद गुरु जी ने कहा सभी लोगों के लिए रुद्राक्ष का वितरण सिर्फ 7 दिनों के लिए रहेगा, जो कि 16 से 22 फरवरी 2023 तक होगा। उसके बाद किसी को रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, उसके बाद रुद्राक्ष बांटने की व्यवस्था समाप्त कर रहे हैं, यह आखिरी मौका है। अच्छी कथा आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।